नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। यूपी मांगे उत्तर में आज जो जातियों के सहारे दरअसल जो बिसात बिछाई जा रही है उस सियासत को लेकर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे उन आरोपों की जिनकी बरसात हो रही है। आपको बता दें कि दरअसल मिशन 2019 की सफलता के लिए बीजेपी ने पिछड़ी जातियों के लिए तमाम सम्मेलन किए हैं। सम्मेलनों के जरिए हर जाति को साधने की भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है। पिछड़ों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है, उन पर जानकारियां दी जा रही है और विपक्ष पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी इन आरोपों को लेकर पलटवार कर रहा है। विपक्ष पर पिछड़ी जातियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी ने पिछड़ों के सहारे 2019 में जीत का दावा किया है और सवाल अब इस बात को लेकर है कि क्या जातिगत समीकरण जो है वो 2019 में जीत दिलाएंगे। सवाल यह भी है कि क्या 2019 में विकास के बजाय जातिगत मुद्दे जो है वो हावी रहेंगे। क्या सम्मेलनों के सहारे बीजेपी को सफलता जो है वो मिल पाएगी। ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से मिलवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 73+ का सपना साकार करने के लिए बीजेपी जातीय समीकरण साधने में जुटी है। पिछड़ी जातियों को साथ लाने के लिए सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में यादवों का सम्मेलन भी किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मेलन में शामिल हुए और अंदर की बात भी बता दी। मनसूबे पास करके बैठे कि 2019 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार नहीं बनने देंगे, उनको हम बताना चाहते हैं कि 2014 में भी कमल खिला है और 2017 में भी कमल खिला है। और मैं एक बात कह दे रहा हूँ, ये अंदर की बात है, यदुवंशी भाजपा के साथ। यदुवंशियों के बीजेपी के साथ होने का दावा कितना दमदार है ये तो चुनावी नतीजे बेहतर बताएंगे, लेकिन पिछड़ों को साथ लाने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक विपक्ष ने हमेशा जातिगत राजनीति को हवा दी और दूध में नींबू मिलाते रहे, मगर अब बीजेपी दूध में चीनी मिलाकर मिठास बढ़ाती रहेगी। हमारा प्रयास है कि हम समाज में जो विपक्षी जातिवाद की राजनीति करके जैसे दूध में नींबू डाल करके लोगों को बांटने का काम करते थे, बिखेरने का काम करते थे, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के आयोजन करके दूध में चीनी डालने का काम कर रही है, सब उसमें मिठास बढ़ाने का काम कर रही है। बयानों के जरिए कितनी मिठास घुलेगी और वोट बैंक कितना मजबूत होगा इसे लेकर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के प्रस्तावित गठबंधन को अभी से फेल करार दे दिया। इसके लिए समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की जंग का हवाला भी दिया जा रहा है। आज भी उनके चाचा श्री शिवपाल यादव जी अपना अलग मोर्चा बनाए खड़े, तो जो परिवार को एक नहीं रख सकते वो प्रदेश को एक कैसे रख सकते हैं? और जब चाचा और भतीजे में नहीं पटी तो भुआ भतीजे में कैसे पट सकती है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 का इतिहास दोहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लिहाजा सामाजिक और जातिगत हर तरीके से समीकरण साधने की कसरत की जा रही है। लेकिन इतिहास का सहारा लेकर ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन कर रही है उसका मकसद साफ है, वो जानते हैं कि प्रदेश में न गरीब उनके साथ है, न किसान उनके साथ है, न दलित उनके साथ है, न पिछड़े उनके साथ है। आज उनके साथ कुछ मुट्ठी भर सामंती लोग खड़े हैं जो बाकी सभी गरीबों को धमका रहे हैं। उसकी धमक से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सम्मेलन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर और विफलता का पर्याय है। दोनों चीज़ें जो इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त निर्देश है इस तरह के जातीय सम्मेलन न किए जाएं और किसी भी की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कोई विकास कार्य बताने के लिए है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्ययोजना है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। चुनावी जंग से पहले यूपी में जुबानी जंग हावी है। जनता को साथ लाने के लिए हर दल बिसात बिछा रहा है और हर कोई अपनी जीत का दावा भी कर रहा है, मगर सवाल इस बात का कि क्या यूपी की सियासत सिर्फ जातीय समीकरणों के भरोसे रहेगी। क्या यूपी में विकास के मुद्दे से ज्यादा जातियों को साधना जरूरी है। सवाल ये भी कि क्या मिशन 2019 सिर्फ जाति से ही सधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब को तलाशने की कोशिश की जाएगी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि बीजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। इसके अलावा मनोज सिंह काका साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बीजेपी की तरफ से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, आप यूपी बीजेपी के
प्रवक्ता हैं और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, सुरेश बहादुर जी। आप वरिष्ठ पत्रकार होंगे और आप भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत हरीश जी हम आपसे ही करेंगे और पहला सवाल आपसे यही है कि हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान जी आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ दो मेहमान और भी हैं, बिजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बिजेंद्र सिंह जी, क्या हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के अलावा भी अब जातियों में पढ़ने की जरूरत है और जिस तरीके से जातिगत सम्मेलन किए जा रहे हैं, क्या वजह आपको लगती है कि बीजेपी को यह करना पड़ रहा है 2014 में प्रचंड जीत के बाद? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा दोहरे चरित्र की रही है। चाहे वह आजादी के मूवमेंट में जब हम लोग देश को आजादी के लिए संघर्ष करते थे तब ये लोग अंग्रेजों के साथ खड़े होकर के उनकी मदद करते थे। आजादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र निर्माण करते थे तो ये लोग उनका विरोध करते थे। और अभी विकास की लंबी लंबी बातें 14 में की गई, 17 में की गई। अब जब हिसाब देने का वक्त आया तो हमारे उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है 13 में कि जातीय सम्मेलन कोई नहीं कर सकता। इनके यहाँ रोज विश्वसनीय हाल में सम्मेलन होता है और हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये सूत्र रहा है, बांटो और राज करो, धर्म में बांटो, फिर जात में बांटो, जात के उपजात में बांटो। तो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश के 18 महीने के कार्यकाल में लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। सड़कें और केशव प्रसाद मौर्य जी हर मीटिंग में इनके मुख्य वक्ता होते हैं। कहां वादा किया था कि हम 15 जून 2017 को सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे, 2-15 जून बीत गया, अब सितंबर का महीना चल रहा है, कहीं 1 इंच सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई। नई नई घोषणाएं कि फलाने महापुरुष के नाम से नई सड़क बनेगी। अरे भैया, सड़क तो बनाओ, चाहे जिसके नाम पर रखो, हम लोग स्वागत करेंगे उसका। तो जब बताने के लिए चीजें नहीं हो रही हैं, तब ये जाति सम्मेलन समाज को जात और धर्म के नाम तो पर वो सवाल ये पूछते हैं कि आने वाले समय में देश के लिए सर सवाल सुनिए, वो ये कहते हैं कि जिन्होंने 50-55 साल आपने जिनके हितैषी बन के काम किया, आज अगर जातियों के बारे में बात करने की जरूरत पड़ी या पिछड़ों के पिछड़ों के बारे में बात करने की जरूरत पड़ी है या तमाम चीजों को लेकर, तो ये तो आपकी देन है कि 50 साल तक आपने उनके नाम पर वोट लिया। क्या 50-55 साल तक हमने कभी जात की बात नहीं किया? कांग्रेस पार्टी संपूर्ण समाज को लेकर चली। अरे शुरुआत किसने की थी? दलितों का खाना खाने की, जात के एजेंडे में विकास की बात नहीं किया, इसीलिए हमको जात का सम्मेलन करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने जब भी विकास होता है, हम मनरेगा लेकर आए तो जात के लिए नहीं। हमने 73,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया जात देखकर नहीं। अरे आप मनरेगा लेकर आए वो अच्छी बात है, लेकिन 50-55 साल तक आपने उनको वही रखा। हमने और यही वजह है कि उनको डरा धमका कर रखने की वजह से आज उधर वो पड़ रहे। हरीश इंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, डरा धमका कर आप ठीक है सर। अरे भाई क्या बात करते हैं हरीश जी, देश जो है सबको साथ लेकर, किसी के डरने धमकाने से कोई किसी साथ नहीं था। हमने काम किया था, उन्हें प्यार दिया था, उनका भरोसा जीता था। 50 साल तक भरोसे पर हम हुकूमत में थे। कोई हिंदुस्तान में कभी डर करके, जो देश अंग्रेजों से नहीं डरा वो हमारे डराने से था, हमारे अगर आपने प्यार से काम था, किया होता काम से था। सर ये झूठ बोलती है बीजेपी। अगर आपने काम किया होता काम तो आप 44 पे नहीं आते यूपी में, आप एक निरंतर प्रोसेस 7 सीटों पर नहीं बढ़ जाते। ठीक है, ठीक है सर, आगे सवाल बढ़ने दीजिए। क्या आप सवाल बढ़ने देंगे? आप बाकी लोगों को भी शामिल होने दीजिए, लौटेंगे आपके पास, वक्त काफी है। हरीश चंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, शामिल करिए। ठीक है सर, हरीश चंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। सबके साथ और सबके विकास को लेकर आप आगे बढ़े थे, हिंदुओं की लेकर बात करते थे, आज अलग अलग जातीय सम्मेलन, वर्गों का सम्मेलन, क्या भटक गए हैं आप या वाकई में लगता है कि 19 है, अब जरूरत आ गई है? नहीं, ये जो लोग जात की राजनीति करते थे जी, कांग्रेस सपा बसपा इस तरह के जो दल जी, जिनका जो मूल आधार राजनीति का था वो जातिगत राजनीति थी जी। कांग्रेस दलित ब्राह्मण और माइनॉरिटी को लेकर के राजनीति की और पिछड़ों को जी, और गरीब तबके के लोगों को पूरी तरह से उपेक्षित किया जी। आज आदरणीय मोदी जी, सबके साथ सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं जी, और वो पिछड़े वर्ग की एक एक जातियां हो या समग्र रूप से जी, वो सब इसी समाज का हिस्सा है और वो सबके साथ सबके विकास का हिस्सा है। जिनको विकास की जो रोशनी से, विकास के प्रकाश से जो दूर रह गए, आज भारतीय जनता पार्टी उन सब को साथ लेकर के उन सब के विकास के लिए काम कर रही है, ताकि सभी
इस देश की, इस राष्ट्र की, विकास की मुख्य धारा में अगली पंक्ति में आके खड़े हों और ये देश एक सशक्त समृद्ध राष्ट्र बन सके। हरीश जी, जब आप लोग बयान देते हैं तो आप लोग कहते हैं कि देखिए हमने उज्ज्वला योजना निकाली, सभी को देखकर बांटा, किसी को अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, तमाम योजनाओं को लेकर आप कहते हैं। लेकिन फिर जब ये फहरिस्त पढ़ता हूं मैं कि 5 अगस्त को लोधी किसान समाज सम्मेलन, 6 को भुर्जी समाज का, 7 को निषाद कश्यप का, मल्लाह का, 10 अगस्त को हलवाई का, 11 को जाट का, 12 को कुर्मी पटेल वर्मा का, 14 को चौरसिया का और 15 अगस्त को यादव का, तो साहब करनी और कथनी और करनी में दोनों में बड़ा विरोधाभास नजर आता है। और सवाल यही आता है कि क्या बीजेपी भी वही बन गई है जो बाकी लोग करते थे? क्योंकि आप तो हिंदुओं की बात करते थे, आप तो सबके साथ सबके विकास की बात करते थे, आज हिंदुओं में 20 कैटेगरी आपने डिवाइड कर दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं जी, क्या ये जो जिन जाति वर्ग के लोगों का सम्मेलन हो रहा है इनके अंदर जागरूकता आवे, ये विकास की योजनाओं का लाभ ले सकें, ये सरकार जो इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इनकी गरीबी को दूर करने के लिए जो अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम जो सरकार ने चलाए हैं उनका इनको लाभ मिल सके, क्या ये आवश्यक नहीं? नहीं आवश्यक। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब आपने गलत बात, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब आप मेरा सवाल सुनिए सर। जब आप एक योजना निकालते हैं तो वो सबके लिए निकालते हैं या जाति जाति के लिए निकालते हैं? आपको एक एक जात के पास जाने की जरूरत क्या है? आप ऐसी योजनाएं निकालिए जो सभी के लिए हो, सभी उसका लाभ उठाएं, अलग से लोधी, अलग से निषाद, अलग से यादव, अलग से ये, इसकी जरूरत क्या पड़ी है? सवाल ये है और ये सवाल आपकी पार्टी के अंदर से भी उठाएं। दीप्ति भारद्वाज ने आपको लेकर आपकी पार्टी की पुरानी प्रवक्ता ने भी सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था हमारे चैनल पर बाइक चलाई हमने कि बीजेपी बदल गई है और अब बीजेपी केवल पॉलिटिक्स के हिसाब से काम कर रही है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सभी जातियों और वर्गों में जो पिछड़े रह गए थे उनके अंदर राजनीतिक चेतना जागृत हो और वो चेतना, वो जागरूकता पैदा हो कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं इसका लाभ ले सके, इस लिहाज से ये सम्मेलन बुलाए गए और उनके अंदर वो जो आदरणीय मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक एक की उनको जानकारी मिल सके ताकि वो उसका सम्यक लाभ उठा सके, इस दृष्टि से सम्मेलन किए जा रहे हैं कि सब वो विकास की मुख्य धारा का अंग बन सके। नहीं तो फिर इसमें सबका साथ सबका विकास कहां रह गया? ये तो वही हो गया, आप भी उसी में आ गए कि आप भी जातिगत राजनीति करते, इसमें अलग क्या रह गया फिर आप में? अब पार्टी विथ अ डिफरेंस क्या रहा जो आपकी टैगलाइन है? पार्टी विथ द डिफरेंस ये है कि हम सबको लेके चल रहे हैं, हमारी किसी योजना में कोई भेदभाव हो जी तब आप ये बात कह सकते हैं। नहीं, सवाल तो जातिगत सम्मेलनों को लेकर, ठीक है सर। मनोज जी, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि यादवों का जो बड़ा वोट बैंक है, आप सबके लिए, ठीक है सर, वो जनता बेहतर समझ रही है। आज जो पोस्टर आया उसमें आप थोड़ा दूसरे को भी समय दें। जी जी बिल्कुल, मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। आज जो पोस्टर निकल कर आया जिसमें भूपेंद्र यादव जी को कृष्ण बनाया गया और योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर अर्जुन बनाया गया, इस पोस्टर को आप कैसे देख रहे हैं जब आपके बीच में और चचा शिवपाल के बीच में लड़ाई चल रही है? क्या ये मौका बीजेपी को दिख रहा है? इस पोस्टर को मैं वैसे ही देख रहा हूं। वैसे तो समाजवादी पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती जी, समाजवादी पार्टी सबके समग्र विकास में विश्वास करती है जिससे समाज में जो गैर बराबरी है वो खत्म हो जाए, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी विकास के धारा में कैसे आकर के सम्मिलित हो जाएं, इसकी बात करती है। इनको बस दिनकर की एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि जाति जाति रखते हैं जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदन, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले को काले और शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले। ये वही लोग हैं जो उनको कि पता नहीं किसको कृष्ण दिखा रहे थे और किसको ये दिखा रहे थे अर्जुन। लेकिन वही योगी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो किस जाति का व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा था, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले गया और वो जब मुख्यमंत्री हाउस जब छोड़ता है तो उसे गंगाजल से धुलवाया जाता है, क्या ये यादव कम्युनिटी पूरा हिंदुस्तान का यादव नहीं देखा होगा? क्या उसको नहीं लगा होगा कि ये कौन सा हमने गुनाह किया कि हमारे निकलने के बाद ये एक जाति वर्ग के साथ
इस तरह का सामंती व्यवहार किया जाता है कि जब वो घर से निकले तो गंगा जल से धुलवाइए। तो मैं समझता हूं कि यादव जात के लोग बहुत सचेत होंगे और इसका भी संज्ञान लिए होंगे। नहीं तो क्या यादव समाज, यादव समाज का जो ठेका है, कहना चाहूंगा यादव समाज का जो ठेका है वो अकेले समाजवादी पार्टी ने ले रखा है? मैं कभी नहीं, समाजवादी पार्टी का इतिहास है सर जी, आप समाजवादी पार्टी ने कभी आज तक कभी यादव सम्मेलन नहीं कराया। सुन लीजिए, नहीं आप सम्मेलन क्यों करवाएंगे? आपका विकास, आपका आपका जो यादवों का विकास था वो एक परिवार का विकास था, जो आपके परिवार से, एक परिवार से 200 लोग तो सत्ता में बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जब 18 लाख, मेरी बात सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 18 लाख लैपटॉप बांटा तो किसी जात विकास को देख के नहीं दिया गया जात भर को, बल्कि समग्र उस नौजवानों को दिया गया जो विकास के पथ पर चलना तो कितने गांव ऐसे हैं जो सफेद की तरह दिखते हैं? हमारा कितने गांव ऐसे हैं जो सफेद की तरह दिखते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, मैं चाहूंगा जी, मैं सुनिए, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, लोहिया गांव का मैं आपको एक नहीं 10-10 उदाहरण दे दूंगा, गांव बता दूंगा, ब्लॉक बता दूंगा, आप जाके देखिए कि जो लोहिया ग्राम हुआ गांव की हालात क्या थी और इनकी हालात क्या। अब ये सारे चीजों से जब फेल हो गए हैं तो यही जाति सम्मेलन, मैं कह रहा हूं कि सामाजिक सौहार्द और जातियों के बीच में जो सौहार्द था, गांव से लेके शहर से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल से लेकर के जेएनयू के हॉस्टल से डीयू के हॉस्टल तक, जातियों के बीच में भी नौजवानों में जो सामाजिक सौहार्द था उसको किसी ने जात के नाम पर अगर बिगाड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी। तो जो आप पर आरोप लगते हैं, सवाल सुनिए सर, सवाल सुनिए ना सर, भाषण थोड़ी ना, सवाल सुनिए मेरा, आप जो सवाल सुनाएंगे उस पर जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जो आप पर आरोप लगते थे कि आपने सारा विकास चार जिलों को लेकर और प्रदेश के सारी नौकरियां जाति को लेकर दिया, परिवार के आरोप तो आप पर भी लगे हैं, ये काम किया कि आपने प्रदेश में एक जाति विशेष को सारी नौकरियां बांट दी, सारे जाइए, आप मैं बोला नहीं है, टिक पार टाइप कर दूंगा, आप मैं बोलूंगा आप में तो आप बोल नहीं पाएंगे, बोलिए माफी चाहूंगा, आप हमसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, आप प्लीज मुझे सवाल पूछा, इंटरप्ट नहीं किया, जो आरोप आप लगाते हैं वही सवाल पूछा मैंने, ये हर आरोप बीजेपी लगाती है कि आपने अपनी सरकारी कार्यकाल में, सर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है, प्लीज मुझे बता दीजिए उसमें यादव का लेन कहाँ है, आप प्लीज बता दीजिए, यादव होने का आरोप, उसमें कोई यादव का लेन बना है कि सभी जात के लोग जाते हैं? लेफ्ट ये जो मेट्रो अखिलेश यादव जी ने लाया यहाँ लखनऊ में, उसमें बता दीजिए यादव का कोच कहाँ है? अरे हमने तो कोई ऐसा, ये वही लोग हैं जो बरगलाए लोगों को, अखिलेश यादव जी विकास करते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लोग बरगलाते रहे, तमाम लोग आपको मिल जाएंगे, अगल बगल के जो ठेके थे स्टैंड से लेकर तमाम लोगों के, वो भी जाति विशेष को बांटे गए हैं। आपकी वॉल्यूम कम आ रही है, प्लीज जरा इसको से पूछे कि जो पीसी, जो पीसीएस में जो सिलेक्शन हुए वो किस आधार पर हुए कि एक ही जात के सारे लोग हो गए? पीसीएस में जो सिलेक्शन हुआ वो किस आधार पर हुआ कि एक ही जात के सब लोग, चार जिले के लोग हो गए, कैसे हो गए? बिल्कुल गलत रिकॉर्ड है यूपीएससी का, आप पहले देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देखा, मैं आपको दिखा दूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देखा कि केवल एक ही परिवार, बात सुन लीजिए, सैफई परिवार का ही गलत चीजों को, गलत चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं और यही नहीं कर रहे, सैफई परिवार देश में गलत चीजों को दिखा रहे हैं, आपको सम्मेलन, आपको सम्मेलन कर जिस तरह से किया गया वो क्या उत्तर प्रदेश ने नहीं देखा? ठीक है हरीश जी, हम आपके पास, सब उत्तर प्रदेश ने देखा, काफी सवाल, मनोज जी से काफी सवाल पूछ ले गए, हरीश जी मैं आपके पास आऊंगा, अखिलेश यादव जी का कब कर्म आ जाएगा? सरकार में हरीश जी है, सरकार सवाल पूछते हैं, हरीश जी मैं आपके पास, आवाज थोड़ी कम आ रही है, कृपया इसे ठीक करा दें। ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं टेक्निकल टीम हमारी ठीक करे। हरीश जी मैं आपके पास आता हूँ, क्या ये परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश है जी? क्या जो नाराजगी है, आप जानते हैं कि एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक है, उसको पास लाने की कोशिश है जो 14 में हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से आप जातियों को लेकर लॉलीपॉप दे रहे हैं, कभी आरक्षण पर आरक्षण की बात सामने आ रही है, अलग अलग विषय निकल कर आ रहे हैं, तो क्या हम ये भी देखेंगे आगे आने वाले वक्त में उन नेताओं को प्रमोशन मिलेगा जो उस वर्ग से आते हैं, क्योंकि अब सब कुछ यही नजर आ रहा है? हमको जवाब देना है? नहीं नहीं, हरीश जी को आप ये देखिए, हमें जवाब देना है सर, मैं आपके पास लौटूंगा, हरीश जी के पास है सवाल। भारतीय जनता पार्टी में, ठीक ठीक, भारतीय जनता पार्टी में जी सभी जात वर्ग के लोगों का नेतृत्व है जी, आप नीचे की इकाई से लेकर के शीर्ष तक आप देख सकते हैं जी, वो मंडल की इकाई हो या बूथ की इकाई हो, जिले की इकाई हो, क्षेत्र की इकाई हो, प्रदेश की इकाई हो और फिर राष्ट्रीय इकाई हो जी,
आप देख सकते हैं चाहे वो संगठन में और चाहे सरकार, कोई ऐसे जाति वर्ग के लोग नहीं है जिनका प्रतिनिधित्व न हो, जिनका नेतृत्व न हो। और जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है, एक पिछड़े वर्ग आयोग को एक लंबे अरसे से ये मांग थी कि पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए जी। वो आदरणीय मोदी जी ने किया और उसकी जो रिपोर्ट है पिछड़े वर्ग आयोग की वो भी जल्दी आने वाली है, ठीक है सर, ताकि जो पिछड़े वर्गों में शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक जो भी पिछड़ापन है उसको दूर करने की दृष्टि से उसको लक्ष्यगत करके योजनाएं बनाई जाए। ठीक है, हमारे साथ सुरेश बहादुर जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी आपका स्वागत है, हालांकि आप थोड़ी देर से आए। जिस तरीके से एक एक जाति को लेकर अब सम्मेलन हो रहे हैं, कभी पिछड़ी कभी ये कभी वो कभी वो, अब तो पूरी कैटेगरी डिवाइड हो गई है। बीजेपी के अंदर खाने से भी आवाज आ रही, कहां हम हिंदुत्व की बात करने चले थे और कहां हम जातियों में बट गए छट गए। कैसे आप विश्लेषण करते हैं यूपी की राजनीति के लिए, यह जरूरी है मौजूदा दौर में या मजबूरी है? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि 90 के दशक से जाति की राजनीति हो रही है, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता जी। चुनाव के शुरुआत के पहले सभी राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी होते हैं और घोषणा पत्र में विकास कार्यों की चर्चा होती, विकास की बात होती है, जनकल्याणकारी योजनाओं की बात होती है, लेकिन जब चुनावी रणनीति की बात आती है, चुनावी राजनीति की बात है, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को ठीक करने में लग जाते हैं और जातिगत समीकरणों को साधने में भी जुटते हैं। ये एक सच्चाई है, सच्चाई को किसी भी राजनीतिक दल को स्वीकार करने में उसको संकोच नहीं होना चाहिए। अब इस जाति समीकरण हमारे यहाँ किस इस तरह से हावी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है जी। कि पिछले कई सरकारों ने 16 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे इससे पहले मायावती जी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया कि सभी राजनीतिक दलों ने अब किस लिए इन्होंने लिखा, इनकी मंशा क्या थी, मतलब किस तरह से जातिगत समीकरणों को किस तरह साधने का, और सभी राजनीतिक दलों ने। सुरेश जी, मैं आपके पास एक सवाल और लेकर आऊंगा, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा की, ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे और है क्योंकि चर्चा में वक्त बहुत ज्यादा नहीं है जी। जब हम देखते हैं कि बीजेपी 2 चुनावों में हार जाती है और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर लोहिया अंबेडकर जी के नाम से रोड, राजा सुहेलदेव के नाम से स्मारक, चुनलाल पटेल की जयंती पर पूरा भाजपा का जाना, क्या ओबीसी में गैर यादवों को लेकर और आज जो पोस्टर आया उसके बाद यादवों को लेकर भी ये मजबूरी हो चली है कि अगर आपको जीतना है तो आपको भले ही कहने को आप पार्टी विद डिफरेंस हो लेकिन आपको वैसा ही बनना पड़ेगा, तब 50% वोट मिल सकते हैं? निश्चित, ये देखिए, जहां तक लोकसभा उपचुनाव की बात है या एक विधानसभा उपचुनाव की बात है, आप अगर उनकी स्थिति देखिएगा तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जो वोट मिले थे उनसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन जब जाति समीकरण तीनों लोकसभा उपचुनाव में जब जाति समीकरण एक हो गए, दलित समुदाय के बाद बैकवर्ड के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय एक हो गया, जाति प्रतिशत उनका निश्चित हो गया, ज्यादा हो गया, तो उनको वहां जीत मिली। यहाँ सीधा सीधा समीकरण है, वहां पार्टी विद डिफरेंस कहने की बातें हैं, जाति समीकरण राजनीति में वैसा ही हावी रहा और उसी वजह से विपक्ष की जीत हुई। ठीक है विजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। दलितों के यहाँ सर खाना खाने की शुरुआत तो आप ही ने की थी, आपके राजनेता जाते थे, आज योगी जा रहे हैं या बाकी कैबिनेट के लोग जा रहे हैं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है, आप ही के ट्रेंड पर वो भी आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हमको कोई बुरा नहीं लग रहा है जी। अंतर इतना है कि हमने काम किया था, हमारे समय में महावीर प्रसाद जी, धर्मवीर जी, सुखदेव प्रसाद जी, माता प्रसाद जी कद्दावर नेता होते थे, आज पूनिया जी राज्यसभा में हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोंग करते हैं, मैं तो उन्हें याद कराने गया था। हमारे समय में जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, आपने ब्राह्मणवाद की बात किया, मुख्यमंत्री होते थे तो चंद्रजीत यादव जी, श्यामलाल यादव जी, बलराम सिंह यादव जी, अगर नाम गिनाने पर आएंगे तो हरीश जी भी मेरे साथ चार नाम गिना देंगे, जैसे बड़े कद्दार, मैं नहीं गिना पाएंगे, वो कहां से गिना देंगे, हमने सबको साथ लेकर चले हैं, हुकुम सिंह जी, गुर्जर जो हमारे पार्टी मिनिस्टर थे, राम सकल सैनी जी, जयराम वर्मा जी, गंगवार जी,
सारी जातियों को कांग्रेस पार्टी लेकर चलती थी। तो फिर आप फाशी पर क्यों चले? एक अम्ब्रेला के तरीके से हिंदुस्तान को बनाया है। उत्तर प्रदेश की भी कैबिनेट को देख लीजिए, मुकुट बिहारी वर्मा जी, रमापत राम शास्त्री, रमापत शास्त्री जी, वो दिखाने के लिए है आपके डीजी से लेकर सागर सोनकर जी, थावर चंद गहलोत जी, एक से एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो दलित वर्ग हो और चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, एक से एक कद्दावर नेता है। नियम कानून लेकर आपको जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछा गया, मैंने कहा था चार नाम वो भी गिना देंगे, इसमें शोर शराबा होगा। सवाल ये है, अगर आप इतने हितैषी उनके थे आप पूछे, तो आप 403 में से 7 पे क्यों सिमट गए? अगर आपने इतना ही सोचा था, इतना ही किया, वही बताने जा रहा हूँ। 90 के बाद राजनीति में एक चेंज आया जी, जिसमें जातियों के नेता उभरे जी। कांग्रेस पार्टी जात की राजनीति नहीं करती थी, इसलिए 90 के बाद कांग्रेस यहाँ कमजोर हुई है जी। लेकिन चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। हिंदुस्तान सबको लेकर चलने की ही एक राजनीति है और खूबसूरती है। हिंदुस्तान में किसी एक वर्ग को आगे लेकर के किसी जात बात को नहीं, तो जिनके साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बड़े छाते पर आप बैठेंगे, आप चाहे हाथी पर बैठेंगे चाहे साइकिल पर, तो क्या अखिलेश जी यादवों की राजनीति करना बंद कर देंगे? अभी 2009 में हमारे मायावती की पिछड़ों की राजनीति करना बंद कर देंगे? 2009 में आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। करें कांग्रेस पार्टी सबको साथ, नहीं हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जो हमेशा जो हमारी 1947 की पॉलिसी है कि पूरे हिंदुस्तान को एक नजरिए से देखना, आगे लेकर बढ़ना। कांग्रेस हरीश जी, ब्रिजेंद्र जी, मनोज जी और सुरेश बहादुर जी, आप चारों इस मुद्दे पर जुड़े, कोशिश हमने की जाति को समझने की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप चारों बने रहिए हमारे साथ, उस पार लौटेंगे, नया मुद्दा होगा। लेकिन कुल मिलाकर यही आ रहा है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति के जो नियम है उसमें रहकर करना होगा, और ये पार्टी विद डिफरेंस या जो अलग अलग सभी का समाजवाद या बहुजन समाज जो होता है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। राजनीति उसी आधार पर कम से कम उत्तर प्रदेश में चल रही है।